आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। बी एच इन्फोपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी सी यू टी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सी यू टी की इस यू जी सी की एन टी ए की या फिर कहें कि वोरियस यूनिवर्सिटीज़ की इस जो जादुई वो चीज़ें कर रहे हैं, जादू करते हैं और हमें पता लगता नहीं है कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया है। कहने का मतलब, सी यू टी एप्लीकेशन जो है 6 अप्रैल को स्टार्ट हो गई थी और 6 मई उसकी लास्ट डेट है, लेकिन स्टार्ट होने के बावजूद भी पहले तो कुछ दिन तक कुछ यूनिवर्सिटीज़ का हमें पता ही नहीं है कि भैया उन्होंने डोमेन क्या मांगा है, टेस्ट क्या मांगा है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि उन्होंने सही से एक्सप्लेन नहीं किया है। ये ना तो सी यू टी की वेबसाइट पर उन्होंने एलिजिबिलिटी के अंदर लिखा है कि क्या आप डोमेन चूज़ करें और क्या आपको टेस्ट अलग से चूज़ करने हैं, ठीक है, जनरल टेस्ट लेना है या नहीं लेना, कहीं नहीं लिखा। और इसके अलावा अगर कहीं लिखा भी है तो भैया उनकी यूनिवर्सिटीज़ जो उनकी खुद की वेबसाइट है, वहाँ पर जो उनके बुलेटिन है, उनके बीच में वो विरोधाभास हो रहा है, यानी वहाँ पर वो मैच नहीं कर रही चीज़ें। काफ़ी सारे एग्जांपल है हमारे पास, एक एक करके हम बात करेंगे। अभी आज के लिए आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ कि अभी तक यानी एप्लीकेशन जो नोटिस आया था 26 मार्च को कि सी यू ई टी होगा आपका, तब से लेकर और अब तक क्या क्या अपडेट हुए हैं और आपके लिए उसके मतलब उन अपडेट में आपके लिए क्या है, वो सभी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ क्विकली, ठीक है। सबसे पहला अपडेट तो यही था कि आपका जो इकोनॉमिक्स जो डोमेन टेस्ट आपका है, इकोनॉमिक्स है, उसका सिलेबस चेंज हो गया है। सिलेबस चेंज हुआ है, इसका कोई भी हमें एनटीए की तरफ से, यूजीसी की तरफ से या किसी भी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली सीयूईटी की वेबसाइट पे जाकर जब आप सिलेबस ओपन करोगे, आपने पहले इस इकोनॉमिक्स का सिलेबस डाउनलोड किया होगा अगर आपने डोमेन टेस्ट लेना होगा, तो तब वाला जो सिलेबस था और अब जो सिलेबस है, दोनों में डिफरेंस है, यानी चेंज हो चुका है। पहले आप देखोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है एक पोर्शन था, उसको रिड्यूस कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ नए टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं। हालांकि मुझे इकोनॉमिक्स की जानकारी नहीं है, माइक्रो मैक्रो में क्या अंतर है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। आपको क्या करना है, अगर आपने इकोनॉमिक्स टेस्ट लिया हुआ है या लेने वाले हो आप, तो आप जो भी आप टेस्ट लेना चाहते हो उसका जो सिलेबस है वो आप जाके एक बार सी यू टी की वेबसाइट पर जाकर आप जरूर से उसको रीडाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप पहले डाउनलोड किए वही तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने अपने जो भी आपने टेस्ट सिलेक्ट किए हैं या करने वाले हैं उनका सिलेबस एक बार आप फिर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसका कोई भी सी यू टी खुद आकर नहीं बताएगा कि भैया हमने सिलेबस चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये आपके सामने एक अपडेट था, जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपको देख रहा है ये ओल्ड है और ये न्यू है। इसके अलावा, सिलेबस चेंज के अलावा, आपको जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU है, उसके कुछ कोर्सेज़ के अंदर बदलाव हुए हैं। बदलाव किस चीज़ के हुए हैं, कुछ उनके डोमेन ऐड किए गए हैं या कुछ कई के सुधार किए गए हैं, तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ का जब आप CUET की वेबसाइट पर जाकर यूनिवर्सिटी का ब्रोशर देखोगे, यानी उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देखोगे, या फिर BHU की खुद की वेबसाइट पर जाकर आप बुलेटिन देखोगे, तो वहाँ पर अब आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो पहले LLB कोर्स था, ठीक है, 5 ईयर्स का जो कोर्सेज है LLB, इसके अंदर पहले क्या मांगा गया था, पहले आपसे कहा गया था कि आप भैया एक लैंग्वेज टेस्ट दो सेक्शन 1 के अंदर और एक आप दो लीगल स्टडीज़ का जो टेस्ट है डोमेन के अंदर लीगल स्टडीज़, ये दो टेस्ट दो और आप BA LLB BHU के अंदर करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आप उसका एंट्रेंस दोगे और आपको चांस मिलेगा वापसी एडमिशन के लिए। लेकिन अभी इसमें बदलाव क्या हुआ है, लगभग 10 या 11 तारीख को आपको अब BA LLB अगर आप BHU में करना चाहते हैं, तो आपको जो टेस्ट सिलेक्ट करने हैं उसके अंदर आपको पहले सेक्शन के अंदर लैंग्वेज, दूसरे सेक्शन के अंदर डोमेन के अंदर यानी आपको लीगल स्टडीज़ लेना होगा टेस्ट, और एक आपको जनरल टेस्ट भी लेना होगा। अगर आप ये 3 टेस्ट लेंगे तब आप BA LLB के लिए एलिजिबल होंगे। ये एक अपडेट हुआ है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कहने का मतलब यह है कि अब आपको जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट दोनों देने हैं, साथ ही में BA LLB के लिए आपको जो लीगल स्टडीज डोमेन टेस्ट है वो देना है। इसके अलावा जो भी आप अगर अदर कोर्सेज भी करना चाहते हैं तो उसके डोमेन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज और जनरल टेस्ट तो आई गए, आप बस कोर्स सिलेक्ट करिए और डोमेन जो आप और लेना चाहते हैं वो इसमें सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो BSc AG यानी एग्रीकल्चर के अंदर है, इसके अंदर पहले क्या था कि आपको 2 या 3 कॉम्बिनेशन दिए गए थे कि आपको या तो PCM से लेकर आप BSc एग्रीकल्चर का पेपर दे सकते हो, या आप PCB ले सकते हो, या फिर एक ऑप्शन और दिया हुआ था उसके अंदर भी फिजिक्स साथ में था, ठीक है। तो अब क्या किया इन्होंने, फिजिक्स को नोट कंपलसरी कर दिया, यानी अब जो एक इन्होंने नया कॉम्बिनेशन दे दिया है, या मैं आगे आपको दिखाता हूँ, ये रहा, तो ये पहले वाले ऑप्शन है और अब इसमें नया ऐड कर दिया, क्या आप ले सकते हैं एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायो, ये कॉम्बिनेशन लेकर आप BSc एग्रीकल्चर के लिए अपीयर कर पाएंगे। क्योंकि पहले दिक्कत थी कि आपको तीनों कॉम्बिनेशन के अंदर फिजिक्स थी, और फिजिक्स एक कह सकते हैं कि अच्छे लेवल की फिजिक्स होती है जो 12th में पढ़ी होती है आपने, और कई स्टूडेंट ने नहीं पढ़ी होती है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर वालों को ये जो है एक सुधार देखने को मिला है। अगर आपने एप्लीकेशन में ऐसा नहीं किया था तो आप इसमें सुधार कर लीजिएगा। एप्लीकेशन नहीं फिल कर रहे हैं तो ये आपके लिए आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है। और ये जो साथ में दिख रहा है ये है इकोनॉमिक्स वाला, ठीक है, अपडेट हो गया था। यहाँ पे हमने टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया था आपको, ओल्ड वाला और न्यू वाला दोनों, ठीक है। इसके अलावा BLLB का मैंने आपको बताया क्या चेंज हुआ था, लैंग्वेज, लीगल और जनरल, ये 3 टेस्ट लेने होंगे तब आप BLLB के लिए अपीयर होंगे, ठीक है, ये दोनों हो गए। इसके अलावा जो BHU का खुद का कंप्लीट बुलेटिन है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है एडमिशन से रिलेटेड, क्या एलिजिबिलिटी है, कहां पर कितनी सीट्स है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ठीक है, किस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज रहने वाली है और क्या 12th में पढ़ा हुआ ना चाहिए, ये सभी चीज़ें आपको BHU की वेबसाइट पर बुलेटिन अवेलेबल करवा दिया गया है। BHU.ac.in पर जाएंगे तो भी आपको वो बुलेटिन मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर वहाँ साइट पर नहीं जाते हैं तो आप टेलीग्राम पर आइए, टेलीग्राम पर सीधा आप BHU बुलेटिन आपको प्रोवाइड किया जा चुका है।
चुका है, ठीक है। तो इस बुलेटिन के अंदर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन जो है आपको वहाँ पे प्रोवाइड की गई है, ठीक है। बीएचयू हो गया और ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस हो गया। इसके अलावा कुछ अपडेट ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जब ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी तो इन्होंने अपनी अपनी जो वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की, उसके ऊपर इन्होंने अपना खुद का ब्रोशर अपलोड कर दिया। खुद का ब्रोशर से क्या मतलब है कि ये जो खुद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट करवाती थी पिछले साल तक, जिसको UGAT और PGAT यानी अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट, इस तरह का कुछ नाम है, ठीक है। तो वो ब्रोशर इन्होंने दे दिया, उसके अंदर वही पैटर्न जो इन्होंने पिछले साल तक अप्लाई किया था कि भैया 25-25 क्वेश्चन आएंगे इस सब्जेक्ट से, 5 पोर्शन होंगे और आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड की थी, और CUET का कहीं भी नामो निशान नहीं था इसकी वेबसाइट के ऊपर। अब जाकर क्या किया इन्होंने, और इसके अलावा जब आप CUET की वेबसाइट पर पहले यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का एलिजिबिलिटी देखते थे तो पहले इन्होंने क्या किया था, लिख दिया था कि भैया BA है, BA के लिए अगर आपको कोर्स लेना है तो इन्होंने लगभग 30-35 जो ऐसे सब्जेक्ट लिए, बीच में स्लैश लगा दिया। अब कुछ नहीं बताया कि भैया एक चूज करना है, हमको 3 चूज करने हैं, कितने चूज करने हैं, कौन कौन से सिलेक्ट करते हैं, कौन से कोर्स के लिए क्या करना है, तो ये सभी चीज़ें भी मेंशन नहीं थी। 2 दिन पहले ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अपडेट हुआ है, 3 दिन पहले क्या अपडेट हुआ है कि जब आप CUET की वेबसाइट पर जाकर यूनिवर्सिटीज़ को ओपन करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को, तब आपको दिखेगा कि भैया BA अगर आपको उर्दू में करनी है तो आपको एज ए उर्दू भी आपको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, कंपलसरी है। अगर आपको हिस्ट्री से करना है तो हिस्ट्री आपको डोमेन में लेना पड़ेगा। अगर आपको एजुकेशन में करना है तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड लेना पड़ेगा। इस तरह से जियोग्राफी लेना है तो जियोग्राफी लेना पड़ेगा। यानी अब इन्होंने थोड़ा बहुत क्लैरिफाई कर दिया कि अगर आप स्पेसिफाइड BA किसी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो वो सब्जेक्ट आपके डोमेन में होना चाहिए। मेरी एडवाइस अभी भी यही रहेगी कि आप अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक लैंग्वेज, ठीक है, मिनिमम एक डोमेन और एक जनरल टेस्ट होना चाहिए। मैं अभी भी आपको अश्योर नहीं करूँगा कि क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सिर्फ एक सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस पर आपको एडमिशन देगी, ठीक है। तो अभी भी ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कन्फ्यूजन की स्थिति है, लेकिन काफ़ी हद तक क्लैरिफाई हो चुका है। आप क्या करिएगा, आप एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट ले लीजिएगा, और डोमेन के अंदर आप जो है जो आप कोर्स करना चाहते हैं 2 या 3 जितने भी आप स्लॉट लेना चाहते हैं और डोमेन टेस्ट लेना चाहते हैं वो ले लीजिएगा। मतलब अगर मान लीजिए आप जियोग्राफी, हिस्ट्री और इसमें करना चाहते हैं, हालांकि इसमें ऑनर्स नहीं होता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर ऑनर्स सब्जेक्ट नहीं होता है, इसके अंदर आपको प्रोग्राम और जनरल कोर्स मिलता है BA का, ठीक है। उसके अंदर आपको 2 या 3 सब्जेक्ट का जो है कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो आप अपने हिसाब से जो है डोमेन चूज कर लीजिएगा, मिनिमम एक डोमेन होना ही चाहिए अगर इसमें से कोई स्पेसिफाइड कोर्स करना चाहते हैं। तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अपडेट था, आगे चलते हैं, ठीक है। और अब अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे, अभी भी वहाँ पर इस चीज़ से कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है, सिर्फ एक नया क्या दे दिया उन्होंने, लिंक दे दिया है, वहाँ पर लिखा हुआ है भैया CUET। हम जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे हम खुश हो जाएंगे कि भैया क्या बताइए नया ब्रोशर दे दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप उस पर क्लिक करोगे आप CUET की वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, कोई मतलब नहीं है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को CUET क्या कर रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद क्या कर रहा है उसको खुद कोई नहीं पता है। पहले कुछ एक अनऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर जो है एक नोटिस मिला था जो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड भी किया था, उसमें क्या लिखा हुआ था कि भैया BSc वगैरह या BA इस तरह से आप करना चाहते हैं तो आपको उसमें PCM वगैरह लेना होगा। कुछ सब्जेक्ट की लिस्ट दे दी थी कि BA अगर करना चाहते हैं तो दिए हुए सब्जेक्ट में से कोई 1 या 2 सब्जेक्ट आपको चूज करनी है, इस तरह से काफ़ी चीज़ें उसमें मैच थी। वो जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको टेलीग्राम पर वापस से प्रोवाइड कर दूंगा, वापस वो मतलब हाईलाइट कर दूंगा, वो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। उस हिसाब से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो मेरी एडवाइस जरूर लीजिएगा, लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट सब कुछ ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप BHU DU सभी में एलिजिबल हो जाओ, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का अपडेट हो गया। इसके अलावा अब हम चलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्या ही कहें अब इसके बारे में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से ठीक है काफ़ी सारी चीज़ें जो है सही की है इन्होंने, सारा सिस्टम ठीक है, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को या फिर CUET की वेबसाइट हम ओपन करते देखते हैं तो हमको एक स्वतंत्रता दी गई थी। क्या स्वतंत्रता दी गई थी, यानी एक परमिशन दी गई थी कि आप कोई भी डोमेन चूज करिए, है ना, कि जरूरी नहीं है कि आपको 12th वाले करने, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पर जाते हैं UG एडमिशन वाली वेबसाइट पर दिल्ली की, तो हमें क्या पता चलता है कि उन्होंने एक साफ साफ कह दिया था कि भैया आपको 12th के सब्जेक्ट ही लेने हैं डोमेन के अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं लेना है। अब मान लीजिए अगर कोई साइंस का बच्चा है या फिर कॉमर्स का बच्चा है, एग्रीकल्चर वगैरह किसी और सब्जेक्ट का बच्चा है, है ना, उसने साइंस पढ़ी है, उसने पढ़ाया भैया हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो ये तरह के सब्जेक्ट पढ़े हैं, कॉमर्स है तो उसने अकाउंटेंसी वगैरह पढ़ा है, अगर वो बच्चे अपनी स्ट्रीम को छोड़ना चाहते हैं, स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, वो आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ में, सोशल साइंस में जाना चाहते हैं, तो क्या वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अंदर पेपर दें? ये चीज़ बहुत ही गलत यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से दी गई है, ठीक है। अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ऑफिशियल ने खुद आकर कुछ भी नहीं कहा है, ठीक है। बहुत सारी डिमांड्स हैं, हमारे भी बहुत सारे एजुकेटर्स लगे हुए हैं कि कैसे ना कैसे हमारी आवाज़ जो है वहाँ तक पहुंचे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से हालांकि BA के अलावा बाकी सभी कोर्सेज में इन्होंने सब ठीक दिया हुआ है। साइंस के अंदर हो तो आपको अगर मैथ लेना है तो PCM से दीजिए, बायो लेना है तो इससे दीजिए, उससे दीजिए, है ना, वोकेशनल कोर्सेज है या बाकी दूसरे कॉमर्स वाले कोर्सेज हैं उनके अंदर ठीक है, बाकी सभी चीज़ें मेंशन है। लेकिन BA कोर्सेज जो कि हर तरह की स्ट्रीम के बच्चे BA में आना चाहते हैं, BA लैंग्वेज लेना चाहते हैं, BA हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी लेना चाहते हैं, उनके लिए इन्होंने, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने बहुत ही बड़ा एक कह सकते हैं कि रास्ते के बीच में खड्डा बना दिया है। और खड्डा यह है कि PCM और ये जो 12th वाले हमारे सब्जेक्ट है साइंस या कॉमर्स के, वो लेकर आप किस तरह से उसका इवैल्यूएशन करोगे, किस तरह से आप जो है
साइंस के टेस्टिस के बेसिस पर आप उसको आर्ट्स में एडमिशन दोगे, आप उसको सोशल साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में एडमिशन दोगे, ये सभी चीज़ें बहुत ही गलत है, ठीक है। तो अभी 19 तारीख को जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कुछ प्रोटेस्ट के चलते, कुछ दबाव के चलते, हो सकता है कि अपने खुद की मर्जी से दिया हो, ठीक है, एक प्रेस रिलीज यानी एक नोटिस दिया है कि इसमें बताया गया कि 22 तारीख यानी कल हम क्या करेंगे, एक वेबिनार, वेबिनार का मतलब एक ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पर एक मीटिंग करेंगे जिसके बीच में बच्चे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर भी हो सकते हैं और जो भी ऑफिशियल्स होंगे यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से ये अपना खुद को इंप्लीमेंट कर रहे हैं CUET में। तो ठीक है, क्या होता है ये तो आगे पता चलेगा। अभी तक अगर आप DU को टारगेट कर रहे थे और अगर आप चाहते थे कि मैं BA करूं लेकिन आपने साइंस और कॉमर्स से 12th की हुई है, बीच में आपने ड्रॉप भी लिया होगा या कुछ भी कारण होगा, तो अभी आप क्या करिए, आप थोड़ा सा वेट करिए, अगर कोई बदलाव होगा तो आपको दिख जाएगा, नहीं होगा तो फिर भैया कुछ नहीं कर सकते, हम आवाज़ उठा सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कल क्या होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर आप आर्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं तो थोड़ा वेट ही करिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए 6 तारीख आपकी लास्ट दी हुई है तो आप 25 से लेकर 30 तारीख के बीच में फॉर्म भरिएगा, अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, हो सकता है कोई अपडेट हो जाए, क्या पता सुन ले सरकार हमारी, ठीक है, जो भी शासन है। इसके अलावा ये सभी यूनिवर्सिटीज़ और सिलेबस से रिलेटेड अपडेट थे। अब NTA की तरफ से कल नहीं सॉरी कितना तारीख है, 18 तारीख को एक नोटिस रिलीज़ किया गया। इसमें बताया गया कि जो आपकी CUET एप्लीकेशन है या फिर उसके जो रूल रेगुलेशन है उसके अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं, मेनली 3 बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव ये है कि जब आप अब अगर आप न्यूली एप्लीकेशन भरोगे CUET की तो आपको 10th की मार्कशीट ही नहीं देनी पड़ेगी, वहाँ पर अपलोड ही नहीं करनी पड़ेगी, और जिन्होंने बच्चों ने पहले कर दिया है उन्होंने कर दिया, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सोचिए कि भैया उसको रिमूव कैसे करें, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो नया भरेगा उसको 10वीं की मार्कशीट, 10th क्लास की जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो अपलोड नहीं करना पड़ेगा, उसकी PDF अपलोड नहीं करनी पड़ेगी, ये पहले और चौथे में कहा गया है, ठीक है। और ये कैसे बदलाव है यार, आप खुद देखिए, CUET एप्लीकेशन 6 तारीख को स्टार्ट हुई है, 2 हफ्तों बाद 3 हफ्तों बाद आकर ये धीरे धीरे अपडेट दे रहे हैं, कभी इनका सिलेबस चेंज हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो बहुत ही मतलब गलत सिस्टम से जो है ये इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। इसके अलावा इस नोटिस के अंदर कहा गया है कि 10th मार्कशीट होगी बात, इसके अलावा एक क्लॉज और हटा दिया गया है, वो क्या है, नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट। अगर कोई ड्रॉप क्वेश्चन, देखिए ड्रॉप क्वेश्चन क्या होते हैं, मान लीजिए आपके 40 क्वेश्चन थे किसी एक पार्ट में, ठीक है, उसमें से मान लीजिए 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके जो ऑप्शन दिए थे वो मैच नहीं करते थे, यानी उनमें से कोई भी सही आंसर नहीं था, ना ही उनमें से कोई गलत था, इस तरह का कोई सिचुएशन मान लीजिए, तो उस क्वेश्चन को क्या किया जाता था, अभी तक यानी जो NTA खुद अलग अलग यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस करवाता था उसमें क्या होता था कि अगर कोई ड्रॉप क्वेश्चन होता है तो वो क्वेश्चन ड्रॉप मान लिया जाता था, और उसके जो अंक है, मान लीजिए 4 नंबर का एक क्वेश्चन था तो 2 क्वेश्चन यानी 8 नंबर जो है वो हर किसी को दे दिए जाते थे, जिसने उस कह सकते हैं कि पेपर के अंदर वो पार्टिसिपेट किया है तो उसको 8 नंबर प्लस हो जाएंगे, चाहे उसने वो ड्रॉप क्वेश्चन को टिक किया है, चाहे उसने उस ड्रॉप क्वेश्चन को नहीं टिक किया है, चाहे उसने उसको छोड़ दिया है, ठीक है, कुछ भी किया हो लेकिन ये 8 नंबर जो है यानी ड्रॉप क्वेश्चन के जो मार्क्स है सभी को मिलते थे। अब अपडेट क्या किया गया है CUET की तरफ से कि जो अगर मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन ड्रॉप हो जाता है 5 नंबर का, ठीक है, एक क्वेश्चन है 5 नंबर का, ये आपकी मार्किंग है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि जिस बच्चे ने वो ड्रॉप क्वेश्चन को गलत या सही अटैम्प्ट किया था, यानी अटैम्प्ट किया था उसने, चाहे उसने कोई एक क्वेश्चन टिक किया हो, तो सिर्फ उसी बच्चों को जो है वो 5 नंबर ऑफर किए जाएंगे। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने कि क्या किया, वो क्वेश्चन ही छोड़ दिया, तो उसको वो 5 नंबर नहीं मिलेंगे, वो 5 जो बोनस के मार्क्स हैं वो नहीं मिलेंगे। ये एक छोटा सा बदलाव किया गया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप जान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, BHU का भी लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उसके अंदर 7 से 8 क्वेश्चन जो है ड्रॉप हो गए थे BA के अंदर, तो उन्होंने क्या किया था, 7 से 8 यानी 28 से 30 नंबर जो है सभी के बढ़े थे, लगभग इतने ही बढ़े थे, 20 से 30 नंबर मान लीजिए सभी के बढ़ा दिए गए थे, फाइनल जो आपकी मार्कशीट आई थी NTA की तरफ से मार्क्स रिलीज किए गए थे उसमें बढ़ा दिए गए थे 20 से 30 मार्क्स सभी के, चाहे उसने एक बच्चा जिसने अटैम्प्ट ही नहीं किया वो क्वेश्चन उसके भी बढ़े थे, और एक बच्चा जिसने गलत या सही अटैम्प्ट किया है, गलत तो सही हो ही नहीं सकता क्योंकि वो ड्रॉप हो चुका है ना क्वेश्चन, तो वो सभी को जो है मार्क्स दिए गए थे, लेकिन अब क्या होगा, अब सिर्फ उसी को मिलेगा जिसने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, ठीक है। 2 अपडेट हो गए। तीसरा अपडेट इसमें यह दिया गया है, ये आपके काम का नहीं है वैसे, इसमें बताया जा रहा है कि इवैल्यूएशन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट विल बी कैरिड आउट यूजिंग फाइनल आंसर कीज एंड रॉ मार्क्स ऑब्टेंड बाय कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड फर्दर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ CUET। तो इसमें बताया जा रहा है कि आपकी जो रॉ मार्क्स पहले आते हैं उसके बाद में अगर कोई ड्रॉप क्वेश्चन होते हैं तो उसके मार्क्स ऐड कर दिए जाते हैं, फिर एक वापस से रीचेक होकर फाइनल आपकी मार्कशीट आती है, उसमें आपके स्कोर रहता है NTA की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपकी जानने की नहीं है, तो आपको आगे पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो अभी आपको क्या समझना है कि 10वीं मार्कशीट अपलोड नहीं होगी, ठीक है, और जो ड्रॉप क्वेश्चन होंगे उसके मार्क्स उसको ही मिलेंगे जिसने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, ठीक है, और ये इवैल्यूएशन वाला फंडा था, ठीक है। तो ये 18 तारीख का नोटिस था, इसके अंदर NTA ने सभी चीज़ें कर दी है, इसमें क्लियर कर दी है जो जो बदलाव हुए हैं। अब आपको क्या करना है, कई बच्चे पूछे थे कि सर हमने गलत फॉर्म फिल कर दिया है, कोई गलती हो गई है हमसे, या फिर स्लॉट वाले सेक्शन में कई बच्चों ने दिक्कत कर दी है, तो देखिए करेक्शन विंडो
सीयूईटी के बुलेटिन में कहा गया था कि हाँ 6 मई के बाद यानी एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होने के बाद में जो है एप्लीकेशन सॉरी करेक्शन विंडो है जो ओपन होगी, लेकिन आई कांट एश्योर कि इसके अंदर आप स्लोट की चीज़ें कर पाओगे या कोई पेमेंट आपकी है तो पेमेंट फिर से कर पाओगे, मुझे नहीं पता और ना ही मैं आपको एश्योर करूंगा कि हाँ आप इसमें कर पाओगे, ठीक है। तो अगर कोई और दिक्कत है, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी दिक्कत है, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई आपने गलत चीज़ भर दी है तो उसको आप एडिट कर पाओगे, वो चीज़ ठीक है, लेकिन ये सभी जो चीज़ें हैं स्लोट वाली ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अलावा कई बच्चे पूछे सर कि हम सीयूईटी के बुलेटिन के अंदर लिखा गया है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी जो भी है उनका जो है कास्ट सर्टिफिकेट यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसकी एक डेट गई थी जनवरी 2022 से लेटेस्ट होना चाहिए। तो कई बच्चे ऐसे थे जिनके पास अभी तक कास्ट है ही नहीं और कई बच्चे ऐसे थे जिनके पास है लेकिन ये लेटेस्ट नहीं है, तो आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी मुश्किल नहीं है। आप क्या करिए सीयूईटी के बुलेटिन में जाएंगे, लास्ट एनेक्सर 6 के अंदर आई थिंक आपको कुछ अंडरटेकिंग्स प्रोवाइड की है। अंडरटेकिंग का क्या मतलब होता है, एक डिक्लेरेशन होती है कि जिसमें आप लिखते हैं कि हाँ मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ लेकिन अभी मेरे पास या तो सर्टिफिकेट है नहीं या फिर लेटेस्ट नहीं है, ऐसा वहाँ पर लिखा रहेगा, आपको सिर्फ उसको फिल करना है, ठीक है। तो आप जब कैटेगरी सर्टिफिकेट वाला जहाँ पे अपलोड करना होगा उसकी जगह पे आप उस अंडरटेकिंग को अपलोड कर दीजिएगा और जब यूनिवर्सिटीज आपको काउंसलिंग के टाइम बुलाएगी, ठीक है, तब आपको ओरिजिनल आपकी जो है सबमिट करनी पड़ेगी, अगर तब आप सबमिट नहीं करोगे तो आपका एडमिशन जो है डिबार कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी अपडेट है और ये जो अंडरटेकिंग वाला है इसकी पीडीएफ अलग से आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी है, सीयूईटी बुलेटिन में आपको अगर नहीं मिलता है तो कल ही टेलीग्राम के ऊपर आपको सभी जो पीडीएफ है सभी जो फॉर्म है, ठीक है, किस फॉर्मेट में फॉर्म होना चाहिए आपका ओबीसी एससी एसटी का, ठीक है, और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के हैं या फिर कोई ठीक है डिसेबल कैंडिडेट है तो उनके लिए जो है सभी चीज़ें अलग अलग फॉर्म जो है उसी पीडीएफ के अंदर अवेलेबल है, आप उसको प्रिंट करवाइए, ठीक है, मैनुअली उसको फिल करिए, साइन वगैरह करिए और उसको कैटेगरी सर्टिफिकेट वाले में या जो भी आपका रिस्पेक्टिव है सर्टिफिकेट वाला कॉलम उसमें अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो ये सभी अपडेट थे आपके लिए और अभी मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप लगभग कह सकते हैं कि थोड़ा वेट कर लीजिए क्योंकि अभी भी 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जिनके बीच में सही तरीके से वो क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं बच्चों को। अगर आप डीयू का वेट कर रहे हैं तो कृपया वेट ही करिए, अभी 25 से लेकर और 30 तारीख के तक का वेट करिए, इसके बाद में आप जो है फॉर्म फिल कर लीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल को आप अभी पीसीएम भर दें और कल को डीयू आके चेंज कर दें कि भैया चलो कोई बात नहीं अब जियोग्राफी पॉलिटी ले लो और कर दो, हालांकि ये बहुत ही मुझे लगता नहीं है कि बहुत ही लिस्ट चांस है, अगर डीयू ने कह दिया है तो कह दिया है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ट्विटर के ऊपर आप जाइए #CVTDUPolicy के ट्वीट करिए ताकि आपकी आवाज़ जो है पहुँचे, 2 दिन से ये कैंपेन जो है चल रहा है और काफ़ी हज़ारों बच्चों ने जो है ये कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट किया है, आप किसी इमेज के द्वारा किसी शॉर्ट वीडियो के द्वारा अपनी किसी भी बात को रख सकते हैं ट्विटर के ऊपर, ठीक है। CVTDUPolicyChange ये हैशटैग जरूर यूज़ करिएगा ताकि आपकी आवाज़, क्योंकि देखिए अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ जो है हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपनी बात आगे तक पहुँचानी पड़ेगी। अब डीयू ने तो आके भैया कह दिया कि हमें 12th वाले सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन कैसे आप उन्हें एक बराबर उसमें रख पाओगे, कैसे आप साइंस वालों को और आर्ट्स वालों को एक बराबर रख पाओगे, अगर एक साइंस एक आर्ट्स वाला बच्चा है वो जिसने 12th आर्ट्स में किया है वो जियोग्राफी पॉलिटी वगैरह हिस्ट्री लेकर जो है टेस्ट दे रहा है और एक बच्चा पीसीएम देकर अगर बीए का टेस्ट देगा तो कैसे आप उन दोनों को कंपेयर करोगे, हैं? या फिर अगर कोई और बच्चे हैं आईआईटी जेई वगैरह जो साइंस की स्ट्रीम में बढ़िया मतलब उसमें हैं कह सकते हैं कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं साइंस में, तो अगर वो आकर बीए में कर देगा पीसीएम लेकर, ठीक है, तो ये तो फिर उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी जिसने बच्चे ने ड्रॉप ले रखा था या फिर जो वेट कर रहा था कि हाँ भैया मैं साइंस स्ट्रीम अपनी छोड़ूंगा या मैं अपनी कॉमर्स स्ट्रीम छोड़ूंगा, तो ये देखिए गलत है तो गलत है, ये एक ही गलती हमें डीयू की पॉलिसी में देखने को मिलती है तो इसको चेंज होना चाहिए। इसके लिए आपको CVTDUPolicyChange को ट्विटर पर रीट्वीट करना है, ठीक है, चलिए आगे। तो ये सभी आज के अपडेट थे, मिलते हैं अगली वीडियो में, कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम पर आकर हमसे पूछ सकते हैं, हैंड टू हैंड आपको जो भी दिक्कत है आपकी दूर कर दी जाएगी और किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल आपको चाहिए सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए जनरल टेस्ट के लिए एनसीईआरटी के लिए तो कृपया टेलीग्राम पर आ जाइए। टेलीग्राम के अलावा वाइस ऐप को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वाइस ऐप क्या है, वाइस ऐप पर आपको लाइव टेस्ट जो है कंडक्ट करवाए जाते हैं, लाइव टेस्ट किस तरह के जो कि आपके जैसे ऑनलाइन सीबीटी मोड में आपके एग्जाम होते हैं उसी तरह से आपको कंप्लीट जो है प्रॉपर आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, आप सही तरह से उसको इवैल्यूएट कर पाएंगे, आप सही तरह से देख पाएंगे कि आपकी कहां पर कमी रह रही है और कितनी आपकी एक्यूरेसी है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।